नगर परिषद बिलासपुर डंपिंग साइट का विवाद और भी उग्र हो गया है। दो दिन पहले नगर परिषद के सफाई कर्मचारी के साथ हुई मारपीट को लेकर कर्मचारी कामकाज छोड़कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। नगर परिषद के प्रांगण में एकत्रित हुए सफाई कर्मचारी सहित नगर परिषद के पार्षदों ने भी इस मामले का विरोध किया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इस विवाद का पूर्ण रूप से सुलझाया नहीं जाता है तब तक वे अपने काम पर नहीं आएंगे। साथ ही जिला प्रशासन से इस मामले को जल्द सुलझाने को लेकर मांग की गुहार लगाई है। नगर परिषद बिलासपुर डंपिंग साइट का विवाद और भी उग्र हो गया है। दो दिन पहले नगर परिषद के सफाई कर्मचारी के साथ हुई मारपीट को लेकर कर्मचारी कामकाज छोड़कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। नगर परिषद के प्रांगण में एकत्रित हुई सफाई कर्मचारी सहित नगर परिषद के पार्षदों ने भी इस मामले का विरोध किया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इस विवाद को पूर्ण रूप से सुलझाया नहीं जाता है तब तक वे अपने काम पर नहीं आएंगे। साथ ही जिला प्रशासन ने इस मामले को जल्द सुलझाने को लेकर मांग की गुहार लगाई है। वहीं इस संदर्भ में जब उपायुक्त बिलासपुर से बात की गई तो उनका कहना है कि दोनों पक्षों से बात की जा रही है लेकिन मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते विवाद आए दिन बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि बामटा पंचायत के लोग डंपिंग साइट पर नगर परिषद कर्मियों को कूड़ा फेंकना नहीं दे रहे हैं। गांव वालों ने तर्क दिया है कि कूड़े की वजह से यहां पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि डंपिंग साइट के चलते बदबू और बीमारियां फैल रही हैं, जिसके चलते ग्रामीण अब यहां पर कूड़ा फेंकने से नगर परिषद को रोका जा रहा है। बिलासपुर नगर परिषद की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। डंपिंग साइट को लेकर हर प्रशासनिक अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहा है। इस संदर्भ में जब नगर परिषद के पार्षदों का कहना है कि जिला प्रशासन ही अब इस समस्या का हल कर सकता है, वहीं डीसी बिलासपुर का कहना है कि नगर परिषद ही इस मामले को लेकर अपने लेवल पर सुलझा सकती है। ठेकेदार हूँ वहाँ पे, नगर परिषद से मेरे को ऑर्डर मिला है, तब मैं वहाँ पे कूड़ा फेंकने गया था और जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे को लोगों ने रोका। रोकने से बाद मेरे को ये बोला, भाई तेरे को किसने दी परमिशन? मैंने बोला कि एमसी से मेरे को परमिशन मिली है। और तब उन्होंने बाकी और कोई बात नहीं की, मेरे साथ मार पिटाई की है। मैं क्या कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि हम लोग अब पूरा शहर पूरा सब कुछ सब बंद है, पूरे स्ट्राइक पर बैठे हैं हम। सरकारी वर्कर से लेके प्राइवेट तक जो भी ठेकेदार हैं, एमसी के जो भी वर्कर है, सब स्ट्राइक पे बैठे हैं सर। जब तक कोई हंड नहीं निकलेगा हमारा, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे।